इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और थिन शीट है ये, पतली शीट है बहुत, तो इसके अंदर क्या गिवन है? इसके अंदर ये गिवन है कि सपोज करो आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट है, ये आपके पास इनफाइनाइट शीट है, साइज बहुत बड़ा है, तो इसके डायमेंशन में लिख नहीं रहा, और इसके ऊपर चार्ज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जो शीट होती है उसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब सपोज करो क्वेश्चन है कि इस शीट से आर डिस्टेंस दूर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ई, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, जहां मर्जी निकालो मुझे ई की वैल्यू चाहिए, चाहे यहां से निकाल दो आर डिस्टेंस, क्योंकि बात तो एक ही है, ई की वैल्यू चाहिए, तो ये भी आर है ये भी आर है, जहां मर्जी निकाल दो आर डिस्टेंस, चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे, ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस चीज का आंसर दें कि सपोज करो आपके पास ये एक शीट है, ये एक शीट है, थिन शीट है, ये चार्ज है, जो भी इसकी शेप है, और इनफाइनाइट नहीं है ये, बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। तो इमेजिन करें कि अगर मुझे आर डिस्टेंस दूर यहां पर ई निकालना है, तो रूल क्या कहता है, टेक अ गॉशियन सरफेस, डीएस ले लिया, तो यहां से भी डीएस ले लिया, 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 जब मैं सारे डीएस 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 को मिलाऊंगा, यहां शेप क्या बनेगी, यहां शेप क्या बनेगी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। कितने लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, कितने बोलते हैं सर्कल, मैंने कहा ये एक शीट है, पॉजिटिव चार्ज शीट है, यहां से आर डिस्टेंस दूर आपने ई निकालना है, तो आपने स्मॉल गॉशियन सरफेस डीएस ली, यहां से भी ली, यहां से भी ली, यहां से भी ली, यहां से भी, यहां से भी, तो डीएस 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 हो गया, तो अगर मैं सारे डीएस को मिलाऊंगा तो शेप क्या बनेगी, रेक्टेंगल। भाई इसकी खुद की रेक्टेंगल शेप है, अगर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं दूसरा पॉइंट यहां पे कैरी करूं तो ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शीट, और ऐसी मैं यहां पे लूंगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शीट। तो इमेजिन करो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, यहां पर ई निकालना है तो गॉशियन सरफेस मिला के रेक्टेंगल है, यहां भी रेक्टेंगल है। अब अगर मैं गॉस थ्योरम लगाना चाहता हूं तो मुझे बॉडी क्लोज चाहिए, क्लोज के लिए क्या करते हैं, ढक देते हैं, यहां एक शीट रखो ऐसी सेम, यहां एक शीट रखो ऐसी सेम, इसे ढक दें किसी कवर से या किसी भी चीज से ढक दें, इमेजिन करें, तो अब शेप क्या दिख रही है आपको इसकी बॉडी की, क्यूबॉइड, एक लंबा सा क्यूबॉइड डिब्बे की तरह दिखेगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, और मिलाएंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ऐसा करें कि सपोज यहां पे ये एक शीट है, ये एक शीट है इनफाइनाइट जैसे शीट है, साइज बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इनफाइनाइट के डायमेंशन तो मुझे नहीं मालूम, मैं एक काम करता हूं कि इसका एक छोटा सा साइज ले लेता हूं सर्कल, इसका एरिया ए है, मान लो इसका एरिया ए है, तो ये मैंने सर्कल ले लिया, और मैं इस सर्कुलर शीट, सिर्फ सर्कुलर की वजह से ई निकालना चाहता हूं, पर आप कहेंगे कि क्योंकि ई तो इनफाइनाइट शीट का निकालना है, मैं बाद में प्रूव कर दूंगा कि शीट छोटी है या बड़ी है, ए एरिया की है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, तो इसमें अगर मुझे आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है तो आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस, यहां पे ई निकालना है आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस, जहां मर्जी ले लो गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस है, तो अगर मैं इस गॉशियन सरफेस को मिलाऊं इन सबको तो क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो यहां पर एक सर्कल बन गया। मैंने ये कहा कि सपोज करो ये एक शीट है, इस शीट का मैंने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई निकालना है आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस, मैंने यहां ई निकालना है, मतलब जहां से मर्जी निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, बात तो एक ही है, ई तो सेम ही आना है, तो गॉशियन सरफेस लेता जाऊंगा, इन सभी गॉशियन सरफेस को मिलाऊंगा तो इसके पैरेलल में क्या पाई जाएगी, एक शीट आ गई, जो मैं ई यहां निकालूंगा, सिमिलरली यहां पर अगर मुझे ई निकालना है, यहां पर अगर मुझे ई निकालना है, आई विल टेक अ गॉशियन सरफेस, तो यहां भी मैंने गॉशियन सरफेस ली, इन सभी गॉशियन सरफेस को मिलाऊंगा तो यहां भी पैरेलल में क्या जाएगा, एक सर्कुलर शीट, तो ये शीट है एक सर्कुलर, इसके पैरेलल सर्कल, इसके पैरेलल सर्कल, तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कवर करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करें, आपने इसको ढक दिया किसी कवर के साथ और बंद कर दिया, तो क्लोज बॉडी आपको क्या दिख रही है, इमेजिनरी सिलेंडर। अब डिपेंड करेगा, अगर आप यहाँ स्क्वायर लेंगे या रेक्टेंगल लेंगे तो यहाँ रेक्टेंगुलर शीट बनेगी तो क्यूबॉइड बनेगा, सर्कल है तो सिलेंडर बन जाएगा। जो मर्जी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लें जो ईजी है, ईजी में सर्कल ईजी है, थोड़ा हैंडल करना ईजी हो जाता है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर अगर आपको ई निकालना है तो यहाँ पर प्लस वन रखेंगे, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहाँ आएगा, टूवर्ड्स राइट। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, टूवर्ड्स राइट। ई और डी एस में एंगल क्या है, जीरो। इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां पर आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ई और डी एस में एंगल क्या, जीरो। वहां पर ई और डी एस में एंगल क्या, जीरो। लेकिन अगर मैं सरफेस यहां पे लूं, यहां पे कर्व्ड कर्व सरफेस लूं, तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, ऊपर। और अगर मैं प्लस वन रखूं तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां पर है, राइट। तो एंगल इनके बीच में कितने हैं, 90। तो यहां पर फ्लक्स क्या आएगा, ई डी एस कॉस 90, जो कि क्या आएगा, जीरो। उसी तरीके से अगर मैं यहां लूंगा कोई एरिया, तो डी एस वैक्टर यहां पर है, ये प्लस वन है, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो ई वेक्टर, तो एंगल इनके बीच में कितना 90, तो ई डी एस कॉस 90। उसी तरीके से यहां पे लूंगा तो एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर कहां गया, नीचे, प्लस वन, प्लस प्लस को रिपेल करेगा ई वेक्टर, तो 90। तो एक चीज तो पक्की है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि ई डी एस में हर वक्त एंगल कितना है 90। लेकिन यहां पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई और डी एस में एंगल जीरो है, यहां पर भी जीरो नहीं होगा, ई डी एस में एंगल जीरो है। एक काम करते हैं, हम इस रीजन को, इस पूरे सिलेंडर को तीन रीजन में बांट लेते हैं। ये रीजन नंबर वन है, ये सर्कल वाला, कर्व्ड सरफेस टू है, और ये रीजन नंबर थ्री है। तो अगर मैं कहूं कि इस रीजन नंबर टोटल फ्लक्स इस पूरी बॉडी का कितना है, तो रीजन नंबर वन में ई डी एस कॉस जीरो की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। रीजन नंबर टू में फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, जीरो। रीजन नंबर टू में जीरो। रीजन नंबर थ्री में इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, और टोटल फ्लक्स में इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आएगा। तो ये स्टेप सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो यही आपकी असाइनमेंट में यहां किया हुआ है। ये रही आपकी शीट, ये रहा सर्कल जिसका एरिया ए, इस सर्कल के सामने एक सर्कल, इस सर्कल के सामने सर्कल, गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्लोज कर दिया सिलेंडर। ई डी एस में एंगल जीरो, ई डी एस में एंगल 90, ई डी एस में एंगल जीरो। इसमें चार्ज शीट पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एरिया, तो इसलिए डेंसिटी कौन सी यूज होगी, सिग्मा। सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो अब रीजन नंबर वन में ई डी एस कॉस जीरो, रीजन नंबर टू में जीरो और ई डी एस कॉस जीरो बता दिया मैंने आपको। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एरिया लेफ्ट सर्कल का ए है, राइट सर्कल का भी ए है, तो टोटल फ्लक्स क्या है, टू ई ए, राइट। अब फ्लक्स होता क्या है, क्यू इनसाइड अ गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के पूरी की पूरी सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कहां है चार्ज, यहां तो हवा में तो है नहीं, चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, बस ये वाला चार्ज, क्योंकि इसके बीच में यही चार्ज आ रहा है। और ये चार्ज होगा क्या, सिग्मा को इसके एरिया से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सिग्मा का मतलब चार्ज बाय एरिया इंटू एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एरिया इज चार्ज। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई जो इसके बीच में लाई करेगी। तो आप चेक करो इसमें, इसके अंदर क्यू इनसाइड में क्या पुट करेंगे, सिग्मा इनटू एरिया। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें शीट के साथ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, थिन शीट की वजह से ई की वैल्यू इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर शीट थिक आ जाए, मोटी शीट आ जाए, और कंडक्टिंग शीट आ जाए, कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, कुछ चार्ज आगे कुछ चार्ज पीछे चला जाएगा। तो ये ऐसे अपीयर होगा
थिक शीट जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन शीट्स हैं, पतली पतली दो शीट्स इकट्ठी पैरेलल हैं, तो अगर आपको यहाँ ई निकालना है तो प्लस वन, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो थिन शीट का रिजल्ट क्या है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाली शीट भी इसे रिपेल करेगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि थिक शीट का क्या करना है।